हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजेंसी सक्सेस पॉइंट में। ये राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, एक और नई सीरीज़ लेकर तैयार हैं हम। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास प्रतिदिन के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी फ्रेंड्स लास्ट तक क्लास के साथ बने रहें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पूरी क्लास को अटेंड किया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, असम की। ऑप्शन नंबर ए, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, पैगमिलियन पॉइंट है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट है पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों का मिलाता है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझी करता है? यस फ्रेंड्स, आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सुभाष बेटा, अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तरी है। आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है एजेंसी सक्सेस पॉइंट में। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रतिदिन के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुँच जाए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर बी, बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर, यस फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? यस फ्रेंड्स, आंसर दीजिए, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी है, उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपकी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर, डमकन पास इनमें से किनके बीच में स्थित है? यस फ्रेंड्स, आंसर दीजिए, आपको बताना है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार और छोटा निकोबार। यस फ्रेंड्स, डक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में जो सी है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? यस फ्रेंड्स, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? भाई, जो भी जन पर नए उन्हें बता दें, सुबह 6:30 लूसेंट और स्पीडी का मास संग्रह, 7:30 आपकी एक साल की करंट अफेयर प्लस में न्यू करंट अफेयर आपके लिए, यहाँ पर 8:45 प्रेजेंट साइंस की क्लास आपके लिए, 11:30 रीजनिंग की क्लास, 1:00 आपकी जीके क्लास, शाम को 4:00 आपकी यहाँ पर जीके की क्लास, 3:00 रहेगा आपका दिन में, 3:00 रहेगा कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, शाम को 7:15 प्रेजेंट साइंस क्लास और 10:00 रहेगा जीके का डोज। तो प्रत्येक दिन के सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका दोआब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दोआब किसी जो दोआब पद है दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो सी है नीलगिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, अरान कान्योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? अरा कान्योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, म्यांमार। अरा कान्योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ पर स्थित है? आपकी म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यस फ्रेंड्स, आंसर दीजिए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी
किस राज्य में स्थित है? आपके तमिलनाडु में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। यस फ्रेंड्स, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो बी है राजस्थान। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, यस फ्रेंड्स आंसर दीजिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है आपका पार्सन पॉइंट, या फिर आपका लाहिग चिंग, या फिर आपका यहाँ पर पिगमेलियन पॉइंट, या सभी विकल्प सही हैं। यस फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में जो डी है आपका सभी विकल्प सही हैं। पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और आपका पिगमेलियन पॉइंट है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यस फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दमन से गोवा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है आपका? दमन से गोवा तक विस्तृत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी है? यस फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी है? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है मां नदी। आपके निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी है? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मां नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है पेरियार। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है पेरियार नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर दीजिए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है सभी फ्रेंड्स का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर होकर बहती है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर जो बी है नर्मदा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, यहाँ पर मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर गंगा यमुना में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बेतवा। ऑप्शन नंबर जो डी है बेतवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? यस फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास प्रत्येक दिन के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको बता दें सुबह 6:30 आपके लिए लूशन और स्पीडी का महासंग्रह, 7:30 आपकी एक साल की करंट अफेयर प्लस में न्यू करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर, 8:30 रहेगी आप 8:45 पर आपकी जनसाइंस की क्लास, आपके लिए यहाँ पर 11:30 रहेगी डिजनी की क्लास, 1:00 आपकी जीके क्लास, आपके लिए यहाँ पर 3:00 कंप्यूटर की क्लास रहेगी, 4:00 जीके क्लास, 7:15 पर आपकी जनसाइंस की क्लास और 10:00 रहेगा आपका जीके का डाउट। तो प्रत्येक दिन के सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपका करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। यह बारामासी नदी नहीं है। यस फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? आप गटन से फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है गगर। ऑप्शन नंबर डी गगर। गगर नदी वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? शाबाश बेटा आंसर दीजिए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तैयारी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी गोदावरी है। नेक्स्ट, तिब्बत में यहाँ पर सांगपो कहलाने वाली तिब्बत में
सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का नाम क्या है? यस फ्रेंड्स, आपका जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रतिदिन के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही आपको बता दें सुबह 6:30 आपके लिए लूसेंट और स्पीडी का मासिक है, 7:30 आपके एक साल की करंट अफेयर प्लस मेन्यू करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर 8:45 पर जन साइंस की क्लास, 11:30 आपकी रीजनिंग की क्लास आपके लिए, 1:00 रहेगी यहाँ पर जन साइंस की जीके क्लास आपके लिए, 3:00 रहेगा कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, शाम को 4:00 आपकी जीके क्लास, शाम को 7:15 पर जन साइंस की क्लास और 10:00 रहेगा आपका जीके का डोज। तो प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर देवप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो भी है गोदावरी को। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? शाबाश बेटा, अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तैयारी है। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? यस फ्रेंड्स आंसर दीजिए, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो भी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में जो डी है कावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में जो बी है कावेरी। नेक्स्ट है आपके लिए विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं, इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं, मांस संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। यस फ्रेंड्स, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 33 डेल्टा में से 24 धंस रहे हैं, इस प्रकार स्क्यूड रहे हैं, मान संकट चोटी में भारतीय डेल्टा है। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर मानदी डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं है? आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी का हिस्सा नहीं है? आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन में जो बी है राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके लिए सिंध नदी का उद्गम होता है आपका हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कराकोरम पर्वतमाला से या फिर आपका केश पर्वतमाला से सिंध नदी का उद्गम होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में जो डी है केश पर्वतमाला से। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। शाबाश बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, जो भी जानपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस फ्रेंड्स आंसर दीजिए, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी है।